नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। डीएमओ कौशाम्बी अनुपमा मिश्रा ने चायल तहसील के मुरादापुर व महबूद मनोली में मच्छरों के प्रकोप को दिखाते हुए फायरिंग कराई है। प्राइम 80 न्यूज व रोशन पहल हिंदी दैनिक ने महबूदपुर मनोली में मच्छरों के भीषण प्रकोप की थी जानकारी, जिस पर डीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार रात को फायरिंग कराई है। ग्राम प्रधान मलोरी कुबेर चंद के शाबरी सहित लोगों ने जिला मलेरिया अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। जिला मलेरिया अधिकारी अनुपमा मिश्रा ने कहा कि समय पर डेंगू के लक्षण पहचान कर बीमारियों को गंभीर रूप से लेने से रोका जा सकता है। डेंगू के लक्षण शुरुआत में फ्लू के जैसे हो सकते हैं, इसलिए चिकित्सा की सलाह के अनुसार पहले जाँच कराए, फिर रिपोर्ट के आधार पर इलाज शुरू करें। उन्होंने कहा है कि रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण बच्चे व बुजुर्ग के साथ साथ ऐसे लोग जो डायबिटीज, टीबी, एचआईवी और कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें डेंगू का खतरा ज्यादा है। डेंगू रोगियों को सावधान करते हुए डॉक्टर अनुपमा मिश्रा ने कहा है कि मच्छरदानी का उपयोग करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, मरीज के पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, मरीज के कमरे में नमी ना रहे क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी व नमी वाली जगह पर छिपे हो सकते हैं। मरीज के कपड़े व बिस्तर रोजाना बदलने व हाथ पैर धोने या नहाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें। बेड पर मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। साथ ही घर के अन्य सदस्य भी मच्छरों से बचाव के लिए हर संभव तरीके अपनाएं ताकि मच्छर रोगी को काटने के बाद परिवार के अन्य लोगों में यह बीमारी न फैला सके। बाजार महमूदपुर मनोली है, चायल तहसील का। तो मच्छरों का प्रकोप काफ़ी हो गया था, डेंगू वाले जो मच्छर यहाँ डेंगू का भी पेशेंट पाए गए, तो उसी के देखते हुए प्राइम 80 न्यूज़ चैनल से अपील यहाँ के प्रधान जी ने किया और डीएमओ कौशाम्बी ने यहाँ पर फॉगिंग मशीन यहाँ भेजी है। तो यहाँ पर पूरे गाँव में ये फॉगिंग कराई जाएगी और जिला प्रशासन और जिला अब शुरू चालू करिए जिला प्रशासन की ओर से, ठीक है, यहाँ के लोगों ने धन्यवाद कहा जिला प्रशासन को और डीएमओ कौशाम्बी को भी।